हेलो एवरीवन, IITN ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 जुलाई के लिए बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स की लिस्ट, जिनके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एंट्री कहां पे करनी है, टारगेट क्या लगा के रखना है और स्टॉप लॉस क्या बनेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपको खुद से रिसर्च करनी है और फिर ही आपको किसी प्रकार का ट्रेड है वो प्लान करना है। अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी प्रकार की अपडेट भी मिलती है। साथ में आप हमसे अपने ट्रेड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री में हमारे अंडर में डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलते हैं जो इंट्राडे के स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट के ऊपर। तो जो सबसे पहले नंबर का स्टॉक हमने चुना है वो है यहाँ पे टाटा मोटर्स, ठीक है। अब टाटा मोटर्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले इसके अंदर काफ़ी अच्छी एक एक्सपेंशन हुई है, उसके बाद में ये एक कंट्रैक्शन है, ठीक है, यानी कि ये एक कंसोलिडेशन है। और उसके बाद में आप देखोगे तो इस जोन के अंदर ये यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन ले चुका है, वापस डाउन साइड के अंदर पुल बैक ले चुका है, फिर से निकलने की तैयारी कर चुका है। और इसके अंदर एक न्यूज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यूके है उसके अंदर जो यहाँ पे ईवी यहाँ पे यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जो कि चाइना से आते हैं, ठीक है, चाइना से आते हैं, उनके ऊपर 10% जो यहाँ पे ड्यूटीज हैं वो यहाँ पे क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दी है। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो इंडिया के जो यहाँ पे टाटा मोटर्स है इसके इसको फायदा मिलने वाला है। तो पहली खबर तो ये आ रही है। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो यहाँ पे टेस्ला, ठीक है, टेस्ला यहाँ पे क्या कर रहा था, सॉरी इसको मैं टेस्ला लिखता हूँ, जो टेस्ला इंडिया के अंदर आने वाला था, ठीक है, इंडिया के अंदर आने वाला था, तो ये यहाँ पे इंडिया के अंदर आने की जो खबरें हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका सीधा इम्पैक्ट है वो टाटा मोटर के लिए फायदेमंद है। तो ये दोनों खबरों के चलते हुए ये काफी अच्छा तेजी आपको दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इमीडिएट रेजिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, 1050 का, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 1250 का टारगेट बनेगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये इसके अंदर जो 2000 का टारगेट है वो इंटैक्ट रहने वाला है। तो अब इंट्राडे के लिए हम यहाँ पे बात करें तो 1005 के ऊपर निकले तो आपको एंट्री करनी चाहिए, और टारगेट यहाँ पे बनेगा 1015 का पहला टारगेट बनेगा एंड 1020 का सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 998 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये वाले जो टारगेट हैं वो यहाँ पे हमारे इंट्राडे के हिसाब से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो यहाँ पे मैंने एनालिसिस की है वो स्विंग के लिए की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो सेकंड नंबर का स्टॉक है हमारा वो है स्वैन एनर्जी। अब स्वैन एनर्जी के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक काफी अच्छी करेक्शन है, वो यहां से यहां तक पूरी हो चुकी है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि इसके अंदर पूरा रिटेस्टिंग हुआ है और फिर से ये अपसाइड में निकला है। यहाँ पे अपसाइड में निकला था, थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, वापस इसके अंदर ग्रीन कैंडल बनी है। तो मोमेंटम इसके अंदर कल काफी तेज आ सकता है, या तो नहीं आएगा या फिर काफी तेज आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 634 के ऊपर निकले तो आपको एंट्री करनी चाहिए। 640 पहला टारगेट बनेगा एंड 646 सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 628 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे थर्ड नंबर का स्टॉक है वो है कोचीन शिपयार्ड। अब आप देख सकते हो कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। इसके अंदर भी 10% का अपर सर्किट था, ठीक है, मजगांव डॉक के अंदर 20% का अपर सर्किट था, ठीक है, SCI को देखोगे तो उसके अंदर भी काफी अच्छी मोमेंटम आपको मिल रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर आप देखोगे तो ये हमारा अब नेक्स्ट टारगेट बनेगा, लेकिन ये काफी बड़ा टारगेट है। तो इमिडिएटली यहां से ऊपर निकलता है तो इसके अंदर 2680 के ऊपर निकले तो आप एंट्री कीजिएगा। और जो टारगेट होंगे 2715 का पहला टारगेट बनता है और 2740 सेकेंड टारगेट बनता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर आपको 2645 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा थर्ड नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पे फोर्थ नंबर का स्टॉक है वो है राइट्स, रेलवे सेक्टर की कंपनी है और फिर से PSU कंपनी है। इसका नाम आपको देख करके लग रहा होगा कि ये यहाँ पे प्राइवेट कंपनी होगी, लेकिन ये PSU कंपनी है। और इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन जो चार्ट पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हुआ है और मूवमेंट काफी अच्छी मिली है 7% की। और भी इसके अंदर मोमेंटम है वो इसके ऊपर जब ये निकलेगा तो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो टारगेट है इसके अंदर जल्द ही अचीव होंगे। तो यहाँ पे 754 के ऊपर निकले तो आपको एंट्री कर लेना है।
761 पहला टारगेट बनेगा एंड 768 सेकेंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस आपको 746 के ऊपर लगा के रखना है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर का स्टॉक हो गया। इसके बाद में जो लास्ट नंबर का स्टॉक है वो है जाइडस लाइफ साइंसेस। ठीक है, आप जाइडस लाइफ साइंसेस के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे काफी अच्छी तेजी हुई, उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ यानी कि एक रेंज बनी, उसके बाद में ब्रेकआउट, फिर से यहाँ पे एक रेंज बना करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। तो मोमेंटम इसके अंदर फिर से आपको देखने को मिल सकता है। ये लाइफ है, यहाँ पे जा सकता है। तो 1140 ये आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर निकले तो आपको 1152 एंड 1165 के टारगेट के लिए बाइंग करना चाहिए। 1132 ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बेस्ट 5 इंट्राडे ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं वो दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको उनके अंदर एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगा के रखना है ये सभी चीज़ें आपको बताई हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।